दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। एमसीडी चुनाव प्रचार में केजरीवाल का यह पहला डोर टू डोर कैंपेन है। 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 2 दिसंबर तक प्रचार प्रसार होगा। और अब ये अंतिम दौर का प्रचार है जिसके लिए सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। चिराग दिल्ली इलाके में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों के लिए घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे। अब 3 दिन बचे हैं एमसीडी चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए। 4 तारीख को मतदान है और 2 तारीख तक प्रचार प्रसार चलेगा। और उससे पहले जो आखिरी के अब कुछ घंटे बाकी हैं उसमें सभी सियासी दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। और अभी तक जो जानकार बताते हैं कि इस बार एमसीडी की जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में नेक टू नेक नज़र आ रही है। इसके मद्देनज़र दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगाया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी अपने स्तर से ज़रूर कोशिश कर रही है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आज उनके सबसे बड़े चेहरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। मुख्यमंत्री चिराग दिल्ली इलाके में आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों से आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। दक्षिणी दिल्ली का चिराग दिल्ली का इलाका जहां पर आज अरविंद केजरीवाल घर घर जाकर एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव के रण में आज पहली बार डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली और गुजरात के विधानसभा चुनाव में व्यस्त रहे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के बाद क्योंकि अब आखिरी के 2 से 3 दिन बचे हैं और 1 तारीख को गुजरात में पहले चरण का चुनाव है और आज शाम को गुजरात में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के प्रचार थम जाएगा। तो अब दिल्ली में एमसीडी चुनाव को फोकस करते हुए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अरविंद केजरीवाल। और इस वक्त मेरे साथ तरुण कुमार जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नो डाउट सबसे बड़े चेहरे हैं और उनके ग्राउंड पर उतरने से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा और क्या रणनीति आम आदमी पार्टी के आखिरी के अब कुछ घंटे बाकी हैं प्रचार प्रसार के लिए? देखिए, शुक्रवार को शाम 5 बजे तक प्रचार हो सकता है और आज मंगलवार का दिन है। मैं चिराग दिल्ली गांव की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। यहां से उतरकर, गाड़ी से उतरकर वो सामने वाली गली में सीधा जाएंगे और सामने वाली गली में डोर टू डोर कैंपेन के साथ साथ एक कुम्हार चौपाल है। वहां पर एक ऐसा चौक जहां पर लेबर भी मिलती है और सुबह सुबह के वक्त लोग चहलकदमी करने के लिए भी आते हैं। वहां पर अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर बैठेंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे और किन मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी वोट मांग रही है ये लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो आम आदमी पार्टी की 10 गारंटियां हैं इस चौपाल के माध्यम से उन मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी। जो यहाँ पर संकरी गली होने के कारण आप देख सकते हैं कि मीडिया कर्मियों की भी संख्या यहाँ पर ज्यादा है, लिहाजा आपाधापी होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। 100 मीटर की दूरी तक ये डोर टू डोर कैंपेन चलेगा और उसके बाद वो चौपाल आ जाएगी जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल गांव के लोगों के साथ चाय पियेंगे और संवाद भी करेंगे। नहीं, अब भीड़ तो नजर आ रही है और इसमें कई आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज भी नजर आ रहे हैं, आदिल खान भी नजर आ रहे हैं। रणनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा कार्ड है जो आखिरी दो वक्त में आम आदमी पार्टी की तरफ से खेला गया है। तरुण, देखिए, ये दरकार महसूस की जा रही थी कि सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात के अंदर व्यस्त हैं, लिहाजा वो दिल्ली एमसीडी चुनाव के प्रचार के अंदर ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं।
लिहाजा कल देर रात गुजरात से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक आ गए थे और अगले दिन यानी कि कल उनका एक बड़ा रोड शो दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके से शुरू होने जा रहा है और कल के रोड शो से पहले आज डोर टू डोर कैंपेन सीएम अरविंद केजरीवाल का इस साउथ दिल्ली के चिराग दिल्ली गांव के अंदर हो रहा है और संभवतः आज 3 बजे के बाद एक और जनसंवाद है या फिर डोर टू डोर कैंपेन है जिसमें अरविंद केजरीवाल लोगों से वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। आपने सही जिक्र किया है कि आम आदमी पार्टी के चूंकि वो सबसे बड़े नेता हैं और चुनाव प्रचार इनसे काफी प्रभावित होता है क्योंकि लोगों के बीच में जो उनका कम्युनिकेशन स्किल है सीएम अरविंद केजरीवाल का वो किस तरह से आम लोगों की भाषा में आम लोगों की बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को आप देख सकते हैं कि लोगों ने उनका अभिवादन करते हुए उनको चुनरी पहनाई है, एक तरह से सांकेतिक तौर पर ही समर्थन का रुख हो सकता है, लेकिन चूंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन होता है तो स्थानीय लोग स्वागत तो उनका करते ही हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, लेकिन वो वोट के अंदर तब्दील हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये किसी भी पार्टी के लिए मुख्य चुनौती होता है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल इस तरह से पूरी जो राधे राधे गली है यहाँ पर जनसंवाद भी हो रहा है और डोर टू डोर कैंपेन भी हो रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि कुछ बुजुर्ग लोग जिन्हें पता था कि सीएम अरविंद केजरीवाल इस गली से गुजरने वाले हैं लिहाजा वो अपनी चेयर लगाकर बैठे हुए थे ताकि सीएम अरविंद केजरीवाल का अब वो अभिवादन भी कर सके और उनसे वो संवाद भी कर सके। सिमिलरली थोड़ा कदम और आगे चलकर मुझे और भी बुजुर्ग यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं जिससे कि संभवतः अरविंद केजरीवाल आएंगे और बात करेंगे और क्यों आम आदमी पार्टी को वो वोट दें आम वोटर्स इसकी वो अपील करते हुए दिखाई देंगे। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि थोड़ी और तस्वीरें कैमरा अपलिफ्ट करके दिखाएं। यहाँ पर बुजुर्ग लोगों के साथ अगर बात करें हम बात कर रहे हैं और संभवतः ये जो आप चेयर पे बैठे हुए देख रहे हैं सभी बुजुर्ग इस राधे राधे गली में उनको सीधे आई टू आई कॉन्टेक्ट बहुत कारगर रहता है। बिल्कुल, आपने देखा होगा स्ट्रेटेजिकली 2013 के बाद से जब से आम आदमी पार्टी राजनीति करनी उन्होंने शुरू की है बहुत बड़ी रैलियां नहीं की जाती हैं, छोटे छोटे जनसंवाद किए जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेन किया जाता है, नुक्कड़ सभाएं की जाती हैं और चौपाल लगाई जाती हैं और इसी तरह की रणनीति सीएम अरविंद केजरीवाल भी अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लोगों को वो किस तरह से आकर्षित करेंगे ये उनके लिए चुनौती होगी क्योंकि संकरी गली है और मीडिया का भी यहाँ पर खूब जमावड़ा है लिहाजा तस्वीरें हो सकता है कि बिल्कुल स्पष्ट ना आए क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ये विवाद सामने आया था, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि सीएम अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है और इस पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली की पुलिस कमिश्नर को ये हिदायत दी थी कि वो पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अपनी वॉच रखें, इस तरह की कोई भी घटना ना हो ये पूरी तरह से इंश्योर किया जाए। लिहाजा जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किया जाता था सीएम अरविंद केजरीवाल का कहीं पर भी अगर विजिट होता था तो उसमें इन्हेंसमेंट दिखी है। सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं जो सुरक्षा में लगे हैं वो ज़्यादा एहतियात बरतते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के अंदर किसी तरह की चूक ना हो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं और जब संकरी गलियों के बीच में लोगों से संवाद हो रहा है किसी को नहीं पता होता है कि कौन व्यक्ति किस आइडियोलॉजी से जुड़ा है, वो पार्टी से खुश है या फिर पार्टी से नाराज़ है, तो इस तरह की जो घटनाएँ हैं वो सांकेतिक तौर पर होने की आशंका रहती है। उसी के मद्देनज़र ये एक बड़ी चुनौती है कि पुलिसकर्मी किस तरह से सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अप्रिय घटना सीएम अरविंद केजरीवाल के इस प्रचार के दौरान ना हो और धीरे धीरे हम राधे राधे जो गली है उससे आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों से अगर आप चाहें तो मैं बात भी कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की प्रतिक्रिया जानिए कि सीएम को से मिलने को लेकर सीएम उनकी गली में आए हैं, रिएक्शन क्या है उनके? कौन आ रहा है पता है आपको? केजरीवाल आ रहा है। बिल्कुल, क्या आपको पसंद है वो? हाँ जी बिल्कुल पसंद है। अच्छा, वोट है आपका? हाँ, पक्का। क्यों वोट देंगे और किस पार्टी को आप? दिल्ली सरकार ने बड़ा अच्छा काम करा सर। क्या मुद्दे हैं इलाके के? सर बस साफ सफाई नहीं होती सर, बीजेपी है, अब साफ सफाई होनी चाहिए दिल्ली में। आपको भी लग रहा है साफ सफाई मुद्दा है? साफ सफाई है, पानी की सारी सुविधा है। पानी की दिक्कत और साफ सफाई का मुद्दा बता रहे हैं, क्या चाहते हैं आप अरविंद केजरीवाल से? क्या चाहेंगे? जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, स्वागत के लिए खड़े हैं।
ये स्थानीय लोग हैं जिनकी मैं प्रतिक्रिया आपको, यहाँ पे नेटवर्क का भी चैलेंज हो सकता है, ये दिल्ली का वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेज भी है, क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल से वो मिलने आए तो? बहुत खुशी है, हमारे सीएम है, हमारे लिए बहुत काम भी किया उन्होंने, लाइनें भी है, पानी की दिक्कत थी वो खत्म हो गई है। किस चीज पे ऊपर वोट दिया जाएगा, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? विकास कराए, विकास के ऊपर वोट दिया जाएगा। अच्छा, विकास हुआ इलाके में? बिल्कुल, बहुत हुआ है। अच्छा, आने वाले सीएम साहब तो ये बोलना है, बोलेंगे कुछ? ये सीएम अरविंद केजरीवाल यहाँ से गुजर रहे हैं और लोगों को पर्चे भी वो बांट रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं, और मैं पीछे रह जाऊंगा इसलिए मुझे थोड़ा सा आगे भागना पड़ेगा, क्योंकि पाल है, जनसंवाद होगा वो कुछ ही कदमों की दूरी पर है, गली संकरी है, लिहाजा कैमरामैन को भी दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं, और नेटवर्क का इशू है क्योंकि बहुत कंजस्टेड इलाका है, और जो मोबाइल टावर है यहाँ पर वो अच्छी स्ट्रेंथ का नहीं है, तो बातचीत के दौरान कुछ मुश्किलें टेक्निकल आ सकती हैं। ये लेकिन आप जैसे बता रहे हैं, और कि आम आदमी पार्टी की हमेशा से रणनीति रही है कि आम आदमी पार्टी बहुत बड़े शोज करने में यकीन नहीं करती है, वो छोटे छोटे जगह नुक्कड़ सभाएं करती हैं, और छोटी नुक्कड़ सभाएं हमेशा कारगर होती हैं क्योंकि उसमें आप पर्सनली एक एक लोगों से आप कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो अरविंद केजरीवाल अगर इस जगह चिराग दिल्ली के इस इलाके में पहुंचे हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट आसपास के पूरे क्षेत्र में पड़ेगा। तरुण, और जैसा कि तरुण बता रहे थे कि इस गली में, कि इस संकरी गली है और यहाँ पर नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो देखिए नेटवर्क का कुछ इशू है जिसकी वजह से ऑडियो में क्लैरिटी नहीं है, ऑडियो थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही है। अरविंद केजरीवाल चिराग दिल्ली का ये गांव है और दिल्ली के सबसे पुराने गाँव में से एक है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लोगों से मुखातिब हुए हैं, लोगों को पर्चे दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी के पक्ष में एमसीडी चुनाव में वोट की अपील करते हुए हैं। तो तरुण, ये आम आदमी पार्टी की जो रणनीति रही है वो हमेशा से कारगर रही है कि छोटी छोटी सभाएं करनी है, क्योंकि छोटी छोटी सभाओं में आप एक एक आदमी से इंडिविजुअली मिलते हैं, उनसे आपका कॉन्टेक्ट स्थापित होता है जो बड़ी सभाओं में हो नहीं पाता। जिसको दे देंगे जो काम करेगा वो लेगा वो। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, क्या परेशानियाँ हैं? हमें तो कोई परेशानी नहीं, पहले थी अब नहीं है, पानी वाने की परेशानी थी अब नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। जो ये देखिए आप, सबके हाथ में मोबाइल फोन्स भी हैं, वो सेल्फी भी लेना चाहते हैं और वीडियोग्राफी भी करना चाहते हैं कि सीएम आ रहे हैं यहाँ पर, लिहाजा क्या इलाके के हैं आप, क्या इशू है इलाके में? इशू कोई नहीं है, जो हमारे विधायक श्री सौरभ भारद्वाज जी ने बहुत अच्छा काम किया गांव में, गांव में हर जगह ही चौपाल अपने चिराग दिल्ली गांव में हर अलग अलग तरह की चौपाट बनवाई है, सीलिंग रुकवाई है यहाँ दिल्ली गांव में। हमारे निगम पार्षद जनसेवक किशन जाखड़ जी की वाइफ पहले पूर्व निगम पार्षद रह चुके, उन्होंने भी अच्छे अच्छे काम कराए यहाँ पे। हमारे यहाँ पानी की पहले बहुत समस्या थी, वो पानी भी बहुत अच्छे से आने लग गया। अब कूड़े कूड़े की समस्या है, कूड़े की समस्या यहाँ पे अब नहीं है, पर दिल्ली के बाहर इलाके में जो भी बाहर चाहता वो यही कहता है कि गाजीपुर का ढेर देख, हम यही गुजारिश करते हैं अब की बार एमसीडी में केजरीवाल आए और कूड़े का पलटा दे। ये बातचीत से तो ऐसा लग रहा था जैसे आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। देखिए ये वो कुम्हार चौक है जहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल चौपाल का हिस्सा बनेंगे और लोगों से बात करेंगे। अम्मा कुछ कहना चाहती हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, क्यों ना चाहेंगे? चलिए तरुण, मैं आपके पास लौटूंगा जैसे ही ये चौपाल शुरू होगा और अरविंद केजरीवाल लोगों से चौपाल में बातचीत करेंगे। इस गली में तो लोगों में उत्साह जरूर नजर आ रहा है और एक पॉजिटिव रिस्पांस आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिख भी रहा है, लेकिन क्या ये वोट में तब्दील हो पाता है या नहीं, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। फिलहाल के लिए तरुण, आपका